पहले तो मैं दर्शकों को नमस्ते कहना चाहती हूँ, और उन्होंने मेरे लिए जितना प्यार बना के रखा हमेशा बना के रखे। और मेरा नाम किरण सिंह है। जो मैं हिंदी फिल्म कर रही हूँ वो है द बर्नी ट्रूथ। एक सामाजिक प्रथा पे है, जो पहले सती प्रथा वगैरह जैसे चलता था, जैसे कि पहले लोगों को कैसा बहुओं को घर में घूंघट डाल के रखते थे, और ऐसा जैसे कि बहू को बाहर नहीं निकलना है, जैसे तो इस अभी तरह की फिल्म हाँ है इस तरह जैसे की सती मूवी। प्रथा है, पति हाँ जब पति पति की मौत होती है हाँ तब उसको हाँ जलाया, मुंडन कर देते मुंडन कर हैं दिया उनको, जाए, कोई भी मतलब जैसे कि बाहर की जो बाहर भी जाने नहीं दिया, हाँ अनटचेबिलिटी जैसा हाँ आपका हाँ किरदार हाँ है। हाँ तो जैसे कि फिल्म हाँ कोई एक काल्पनिक है क्या, पूरी तरह से रिसर्च इसके ऊपर आपने ये फिल्म जब आपने पढ़ा स्क्रिप्ट, तो किस तरह का स्क्रिप्ट लगा आपको, मतलब ये जब स्क्रिप्ट पढ़ा था ये आपने? जब मैंने फर्स्ट टाइम मुझे ये स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी तो मुझे बहुत, तो जब मैंने ये स्क्रिप्ट फर्स्ट टाइम पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसका सब्जेक्ट, जो इसका सब्जेक्ट है वो इतना अच्छा है कि मुझे लगा कि ये सब्जेक्ट मुझे करना चाहिए, तो मैंने ओके कर दिया। तो इस फिल्म में और कौन कौन है, आपके साथ अपोजिट में कौन कौन काम कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ ओके अभी तो सभी न्यू कमर हैं, इससे ये मूवी ही न्यू कमर को लेके बन रही है, तो मैं उतने लोगों को में से जानती नहीं हूँ। पर प्रोड्यूसर की बात करें, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर कौन कौन है इतना तुम जान? हाँ उसमें जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने, उनका नाम है सुरेश जी, और डायरेक्टर जो हैं वो भी न्यू हैं, मतलब कुल टोटली जो इंटायर टीम है वो पूरे न्यू कमर है। और आपसे हम जानना चाहेंगे कि फिल्म में सॉन्ग हो गए तो किस तरह का सॉन्ग है कुछ आपको? इसमें ज़्यादा सॉन्ग नहीं है, जैसे सॉन्ग कैसा है मैं बताती हूँ आपको। जैसे बहुत कम गिने चुने, जैसे जो औरतों के ऊपर कि उनके ऊपर क्या क्या दुराचार हो रहे हैं, और भी मतलब नारी कितना संघर्ष कर रही है, उसके ऊपर वैसा सॉन्ग है। सॉन्ग तो मुझे याद नहीं। फिल्म की तो बात, जैसे कि आपने कहीं भोजपुरी फिल्म भी की है, तो किस तरह का बॉलीवुड में शिफ्ट करना, मतलब क्या कारण थे? मुझे ऑफर आया, मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि चलो ये भी करके देखते हैं, तो इसलिए किया। भोजपुरी समाज ने आपको पूरी तरह से एक्सेप्ट किया था, तो अभी आप बॉलीवुड में जा रहे हैं, तो भोजपुरी समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे? भोजपुरी समाज ने मुझे एक्सेप्ट किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने मुझे बहुत ही प्यार दिया बहुत सारा, और मुझे मेरे एक्टिंग को सपोर्ट किया, तो और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनके प्यार की वजह से आज मैं यहाँ तक तो पहुँची, और उन्होंने मुझे इस लेवल पे पहुँचाया कि आज मुझे हिंदी का ऑफर सामने से आया। हाँ मुझे ज़्यादातर लोग जैसे मेरी स्माइल को लेके कहते हैं आप धक धक गर्ल की जैसे हो, और एक्चुअली मुझे माधुरी दीक्षित बहुत पसंद है, तो मुझे अच्छा लगता है। नर्वस तो नहीं हूँ, हाँ ये है कि सब न्यू कमर है तो सोचती हूँ कि वो कैसे करेंगे, पर ठीक है जैसे मैंने फर्स्ट टाइम किया वैसे वो भी करेंगे, तो नर्वस तो नहीं हूँ। फिल्म की शूट कब से शुरू होने जा रही है इसके बारे में कुछ बताइए, और ये हाँ कब तक ट्रेलर लॉन्च हो जाएगा? ये 5 जनवरी से शूट हो रही है, 5 तारीख से, तो गुजरात में शूट हो रही है, राजपीपला में। और आपसे जानना चाहेंगे कि इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट आप करना चाहे कर रहे हैं या करना शेयर करेंगे? हाँ मैं बहुत जल्दी हिंदी करने के बाद 2 फिल्में और मैं करने जा रही हूँ, बट मैं उस मूवी का नाम अभी नहीं बता सकती। और वो जो प्रोजेक्ट है वो सुब्बा रेड्डी, जिनकी मैंने फर्स्ट मूवी भोजपुरी में की थी जिगर वाला, तो उन्हीं की मैं फिल्म दोबारा कर ये रही हूँ। सभी हिंदी फिल्म है क्या, भोजपुरी है? जी ये हिंदी है, और जो दूसरा जो सुब्बा रेड्डी की करने जा रही हूँ वो भोजपुरी मूवी है। इसके अलावा हम आपसे जानना चाहेंगे कि बॉलीवुड में आप किससे प्रेरित है, किस स्टार के साथ काम करना चाहिए बॉलीवुड एक्टर के साथ? एक्टर के साथ मैं जैसे हमारा जहाँ से मैं हूँ यूपी इलाहाबाद, तो मैं तो अमिताभ बच्चन जी के साथ काम करना चाहूँगी। और एक्ट्रेस? एक्ट्रेस जो मेरी फेवरेट है माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित। और अभी की जो एक्ट्रेस के साथ किसके साथ काम करना चाहिए, कैटरीना कैफ हो, अनुष्का शर्मा, दीपिका हो, प्रियंका हो, किसके साथ काम करना चाहिए? प्रियंका, प्रिया, बिकॉज वो बहुत अच्छी एक्टर हैं इसलिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू, थैंक यू।